लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत के पश्चिमी भाग में चवर वंश का शासन था। चवर वंश के राजाओं ने अफगानी हमलावरों का जमकर मुकाबला किया था, इसलिए दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी चवर वंश से नफरत करता था। उन दिनों चवर वंश के राजगुरु संत रविदास बहुत प्रसिद्ध थे। उनसे प्रभावित होकर मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने उन्हें अपना गुरु बनाकर मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दे दी थी। संत रविदास की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर सिकंदर लोधी ने सदना कसाई को संत रविदास के पास भेजा और कहा कि कैसे भी रविदास को मुस्लिम बनाओ। सदना कसाई ने जाकर रविदास से बहस की, पर उस बहस में वो हार गया और उनका शिष्य बन गया। इस घटना के बाद सिकंदर लोधी और अधिक चिढ़ गया। उसने संत रविदास और उनके अनेक अनुयायियों को बंदी बना लिया। जेल में संत रविदास का भोजन तक बंद कर दिया गया और उन पर अनेक अत्याचार किए गए। उनसे कहा गया कि या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो या फिर तुम्हें मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालने का काम करना होगा। बहुत अधिक अत्याचार सहने के बाद संत रविदास और उनके अनुयायियों ने चमड़ा निकालने का काम स्वीकार कर लिया, पर इस्लाम कबूल नहीं किया। इस घटना का उल्लेख रविदास रामायण में मिलता है। भारत में चमड़ा वर्जित था, परंतु इस्लामिक आक्रमणों के बाद यहां पर चमड़े पर काम करने वाले मजदूरों की जरूरत बहुत बढ़ गई। गांवों में लोगों पर यह दबाव बनाया जाने लगा कि या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो या फिर मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालने का काम करो। इंग्लैंड के विद्वान प्रोफेसर शेरिंग ने अपनी किताब हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट में यह लिखा है कि भारत में नीची जाति का कहलाने वाले ये लोग कोई और नहीं, वे वीर हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। कर्नल टॉड ने तो अपनी किताब में यहां तक कहा है कि भारत में चमार भंगी जैसे शब्द ही इस्लामिक आक्रमणों के बाद आए। उन्होंने यह भी बताया कि 1200 ईस्वी तक भारत में शूद्र कहलाने वालों की संख्या मात्र 1% थी। आजादी के बाद मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने जानबूझकर इन तथ्यों को इतिहास की किताबों से गायब करवा दिया ताकि देश में जातिवाद बढ़ता रहे और इसका फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिलता रहे। जिन लोगों को हम नीची जाति का कहते हैं, वे लोग इस देश के पहले सत्याग्रही थे। संत रविदास ने उनका नेतृत्व किया था। वे सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी। भले ही उनके बलिदानों को इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया, पर उनको हमारे दिलों से कभी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि अगर संत रविदास झुक जाते तो शायद आज हम कुछ और होते, या शायद हम होते ही नहीं।